नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 7.2 में पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। प्रश्न नंबर 1 में एक ए ले लेते हैं और एक बिंदु ये बी ले लिए, ठीक ना। तो इसका निर्देशांक है -1, 7 और बी का ले लिए दिया इसमें 4, -3, ठीक ना। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड है। इसमें बोलता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जिनको ये दो रेखा को, इस दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित किया, 2, 3 में। मान लिया एक ये बिंदु रहा, ठीक ना, बिंदु P ले लिया और उसके निर्देशांक X और Y ले लिया। ये इस पूरे रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर दिया, मतलब AP बटे PB बराबर 2:3 हो गया, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं, लिखा माना वांछित बिंदु है ना PXY, है ना, इनको ले लिया। तो विभाजन सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे PXY बराबर m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, ठीक ना। ये हो गया x का हो गया, अब इसमें y का देखेंगे, है ना, ये भुज और ये कोटि, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, ठीक ना। अब इसमें m1 m2 क्या है, देखिए ये इसको m1 बोलते हैं, m1 = 2, m2 = 3, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। अब इसमें मान रखना है तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें देखिए रखते हैं, m1 2 है गुणे x2 4 प्लस m2 कितना है 3 गुणे x1 कितना है -1 बटे m1 + m2 मतलब 2 + 3। अब m1 देखिए 2 है गुणे y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है m2 3 है और y1 कितना है 7 बटे ये हो गया 2 + 3। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे। अब 4 × 2 = 8, 3 + 1 = 3 बटे 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 6 माइनस में और 7 × 3 = 21 बटे 3 × 2 = 5। तो देखिए 8 में 3 गया 5 बटे 5 और 21 में 6 गया तो ये हो जाएगा 15 बटे 5। तो इसको काट लेते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 1, 5 × 5 = 5। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक आए, है ना, P का बिंदु ये हो गया P 1 और 3, ठीक ना। तो लिख लेते हैं, अतः वांछित बिंदु एक 3 है, ठीक ना। तो ये प्रश्न का हल हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 2 में बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 को
जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक ना, मतलब दो बिंदु हैं जिससे जो रेखाखंड बनी है उसको तीन बराबर भागों में विभाजित किया गया है, और उनके जो जो बिंदु इनको तीन भागों में विभाजित किए गए हैं जो कर रहे हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा इसमें देख लेते हैं। देखिए एक बिंदु ये रहा ए, तो ए का निर्देशांक क्या दिया है 4 - 1, और बी दिया है -2 - 3। ठीक ना, दो बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है और ये इन दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड बनी है, उसको तीन बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, देखिए यहाँ लिख लेते हैं P और ये लिख लेते हैं Q। ठीक ना, तो देखिए 1, 2, 3, तीन बराबर भागों में विभाजित हो गया। तो अब इनके P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं माना रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू हैं। है ना, देखिए पी और क्यू बिंदु हो गए। तो अब पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं अर्थात, देखिए ये हो गया ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। है ना, तो बराबर बराबर भागों में बट गए इसलिए इसको भी लिख लेते हैं पी रेखाखंड ए बी को, देखिए किस हिसाब से विभाजित हो रहा है। देखिए अगर ये तीनों को बराबर बराबर में है तो अगर मैं सबको एक एक ले लूँ, एक एक एक, है ना, मतलब कुल 3 सेंटीमीटर अगर मान लिया रेखाखंड होता तो ये 1 सेंटीमीटर एक और 1 सेंटीमीटर में विभाजित हो गया होता। अब देखिए अगर अनुपात पी और इसको छोड़ दें, क्यू को छोड़ दें, तो पी ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, ठीक ना, ये 1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 1 हो गई, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1 और 1 2 हो गया, तो ये हो गया 2। ठीक ना, तो और इसको M1 ले लेंगे और इसको M2 ले लेंगे, तो इस प्रकार M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2, है ना, बिंदु P के लिए जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये X1 Y1 है। ठीक ना, और ये X2 ये Y2 है। ठीक ना, अतः P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से कितना 1:2, है ना, ये 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक ना, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, P के निर्देशांक क्या जाएगा, P के निर्देशांक, तो देखिए विभाजन सूत्र में फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले M1 X2 + M2 X1 बटे M1 + M2, फिर M2 M1 Y2 + M1 Y1, ये हो गया 2, यहाँ 1 है तो वहाँ 2 हो जाएगा, और M1 + M2। ठीक ना, अब इसमें मान रख लेंगे
देखिए इसमें यम वन कितना है, यहाँ वन है, यक्स टू कितना है, माइनस टू है, प्लस यम टू कितना है, टू, और यक्स वन देखिए ये रहा यक्स वन फोर, बटे यम वन प्लस एम टू मतलब वन प्लस टू, फिर यम वन वन, वाई टू कितना है, माइनस थ्री, प्लस यम टू कितना है, टू, गुड़े वाई वन माइनस वन, बटे यम वन प्लस एम टू मतलब वन प्लस टू। अब इसको देखिए इसके आगे हल करते हैं, ये आ गया दो एकम दो प्लस चार दूनी आठ बटे तीन, और माइनस तीन दो एकम दो बटे तीन, तो पी के निर्देशांक आ रहा है। देखिए इसको लिख देते हैं, पाँच आठ में दो गया छः बटे तीन, ठीक ना, और तीन दो पाँच, पाँच बटे तीन। अब देखिए विभाजित हो जाएगा तो काट लेंगे इसको, देखिए क्या हो गया इसके आगे पी, तो यह आया तीन एकम तीन दूनी छः, तो यह आया दो और माइनस पाँच बटे तीन, तो पी के निर्देशांक आ गए, ठीक ना। इसी प्रकार अब क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे, अब देखिए पी हो गया, आप क्यू लिखेंगे, लिखेंगे क्यू, तो Q देखिए किस हिसाब से विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से Q का यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दो हो जाएगी, ठीक ना, ये हो गया M1 बराबर ये दो, और ये यहाँ से यहाँ तक एक, तो M2 बराबर इस बार एक हो गया, ठीक ना। तो अब Q का भी निकाल लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, अब Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, अभी हो गया दो एक के अनुपात में, लिखेंगे दो एक, दो अनुपाते एक के अनुपात में, के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक ना। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, विभाजन सूत्र M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, फिर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक ना, मान रख लेते हैं इसमें, तो इस बार M1 कितना है, देखिए 2 है, 2 गुड़े X2 कितना है, माइनस 2, ठीक ना, तो माइनस 2 प्लस M2 कितना है इस बार, इस बार 1 है ये, और X1 कितना है, 4 बटे 2 प्लस 1, और M1 2 गुड़े Y2 कितना है, माइनस 3 प्लस M2 कितना है, तो M2 देखिए 1 है, गुड़े Y1 कितना है, माइनस 1 बटे 2 प्लस 1, ठीक ना। अब इसको आगे यहाँ हल कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4, ठीक ना, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 बटे 3, और ये हो गया 3 दूनी 6 और 1 एकम 1 बटे 3, इस प्रकार 4 में 4 गया 0, और बटे 3, और 4 में 4 अब ना 6 और 1 7, माइनस 7 बटे 3, इस प्रकार Q का निर्देशांक आया 0 बट और माइनस 7 बटे 3, ठीक ना, 0 के बटे कुछ भी होता है तो वो 0 हो जाता है, तो इस प्रकार देखिए P और Q के निर्देशांक आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, बिंदुओं माइनस तीन दस और छः माइनस आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस एक छः किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको डायग्राम बना लें। देखिए दो बिंदु को जोड़ने वाले ये बना लिया, देखिए यहाँ पर डाल लें, यहाँ ए डाल लेते हैं, और इसका निर्देशांक लिख लेते हैं माइनस तीन दस, और ये बी है, और इसको लिख लेते हैं छः माइनस आठ,
है ना, -3 10, 6 -8, और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया माइनस पी मान लिया, और ये बिंदु का दिया है -1 और 6, ठीक ना। तो ये पूछ रहा है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको ये पी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब ये बटे ये कितना है, ठीक ना, ये अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको लिखते हैं माना -1 6 रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से M1 अनुपाते M2, ठीक ना, के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना। मान लिया M1 और M2, तो इसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला M1 हो गया और ये M2 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया और ये हो गया आपका M1, ठीक ना। तो M1 और M2 के अनुपात में विभाजित किया, तो यहाँ लिखते हैं। अब देखिए ये X1 हो गया और ये Y1, ये X2, ये Y2, ठीक ना, और ये X और ये Y, ठीक। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक ना। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे तो देखिए यहाँ होता है P(x,y) बराबर, देखिए M1 x2 + M2 x1 बटे M1 + M2। फिर यहाँ लिखेंगे M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2। अब इसे मान रख देते हैं, देखिए एक्स वाई ये जो दिया है इसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं -1 6 बराबर, M1 कितना है, M1 ही है, और X2 6 + M2 * X1 -3 बटे M1 + M2, और यहाँ लिखेंगे M1 * Y2 कितना है, -8 + M2 * Y1 कितना है, 10 बटे M1 + M2 है। फिर लिखेंगे -1 6 बराबर, हल कर लेंगे 6M1 - 3M2 बटे M1 + M2। फिर इसमें देखिए -8M1 + 10M2 बटे M1 + M2, ठीक ना। देखिए इसका मान ये -1 है और इसका मान ये 6 है, ठीक ना, मतलब भुज और एक कोटि, इसी प्रकार ये भुज और एक कोटि, तो जो भुज का भुज के संग तुलना कर लीजिए या कोटि का कोटि के संग तुलना करिए, आपको M1 अनुपाते M2 ज्ञात हो जाएगा। तो मैं इसको 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 तुलना कर लेता हूँ दोनों की भुज का, तो लिखेंगे 6M1 - 3M2 बटे M1 + M2 बराबर -1, है ना। चाहे तो इसको 6 से भी तुलना करेंगे तब भी आ जाएगा। अब इसमें देखिए तिरे गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जब इस एक का गुणा करेंगे तो यही चीज आ जाएगा 6M1 - 3M2 बराबर, और जब इस -1 करेंगे तो हो जाएगा -M1 - M2 हो जाएगा। अब M1 एक तरफ, M2 एक तरफ, तो इसको आप बाई तरफ करिए पक्षांतर, तो हो जाएगा 6M1 + M1 बराबर, यहाँ -M2 रह गया और ये पक्षांतर होगा तो +3M2 हो जाएगा। 6 1 7M1 बराबर, 3 में से एक गया 2M2, ठीक ना। अब देखिए इसको नीचे पक्षांतर करिए तो गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक ना, तो इसको यहीं लिख लेते हैं। देखिए ये है M1 बटे M2 को पक्षांतर कर रहे हैं इधर,
तो बटे एम टू हो जाएगा, बराबर यहाँ दो रह गया बटे ये सात है, तो सात पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये सात आया। तो इसमें लिखेंगे एम वन अनुपाते एम टू बराबर दो अनुपाते सात, तो ये अपना उत्तर हो गया, ठीक ना। दो सात के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करेंगे ये। अब देखिए इसमें एक और तरीका है इसको हल करने का, तो एक तरीका और है उसको भी देख लेते हैं, यहीं पर देखते हैं। देखिए लिखो वैकल्पिक हल, वैकल्पिक हल या विधि, ठीक ना, एक विधि और है। तो इसमें देखिए बाकी सब वही लिखना होता है। देखिए ये जो लिखा है, मतलब इसमें सब लिखा हुआ है, जो चीज़ अलग चीज़ है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए लिखा है माइनस माना माइनस एक छः रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से एम वन अनुपाते एम टू के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना। और हम मान के चलेंगे कि अब इसी को के अनुपाते एक है ना, माना ये हो गया वांछित अनुपात, के अनुपाते वन ले लेते हैं, ठीक ना। ये यहाँ पर एम वन अनुपाते एम टू लिखा है, अब हम के अनुपाते एक लिख लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, बाकी सब वही है, बस विभाजन सूत्र ये फोटो ये आकृति हम यहाँ बना लेते हैं। ए माइनस तीन दस और बी छः माइनस आठ, और ये हो गया पी माइनस एक छः, ठीक ना। अब यहाँ लिखते हैं, ये तो x1 है ही, ये y1, ये x, ये y, और ये x2, ये y2, और ये k, और ये एक हो गया, है ना, k अनुपाते एक हो गया, ठीक ना। जिस प्रकार यहाँ m1 अनुपाते m2 था, यहाँ k अनुपाते एक लिख लेते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए विभाजन सूत्र यहाँ भी लगा लेंगे, तो लिखते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो देखिए P क्या लिखेंगे, पी एक्स वाई बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू, और यहाँ एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू, ठीक ना। अब इसी पे मान रख लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस वन सिक्स, ठीक ना। और एम वन कितना है, यहाँ एम वन के स्थान पर देखिए एम वन के स्थान पर के लिखेंगे और एम टू के स्थान पर वन रखेंगे, ठीक ना। तो एम वन कितना है के गुड़े एक्स टू कितना है सिक्स प्लस एम टू कितना है वन और एक्स वन माइनस थ्री, और ये हो गया के प्लस वन। फिर यहाँ लिखेंगे एम वन कितना है के गुड़े वाई टू माइनस एट प्लस, और एम टू कितना है वन गुड़े वाई वन टेन बटे के प्लस वन हो गया, ठीक ना। तो अब इसके बाद देखिए ये हो गया छः के और ये माइनस तीन बटे के प्लस वन, और ये जगह माइनस एट के और ये दस एक कम दस बटे के प्लस वन, ठीक ना। तो ये हो गया माइनस वन सिक्स। अब इस भुज के संग तुलना करिए या कोटि का कोटि के संग तुलना करिए तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसका हम इससे तुलना कर लेते हैं, सिक्स के माइनस थ्री बटे के प्लस वन बराबर माइनस एक, तो तिरे गुणा करेंगे तो ये हो गया छः के माइनस तीन बराबर, इसका माइनस करेंगे तो दोनों पद माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। एक गुणा किए हैं तो ये चीज़ वापस आ गया। अब k को एक तरफ कर लेते हैं तो ये माइनस k है तो प्लस k हो गया बराबर माइनस एक यहाँ रह गया, और माइनस तीन का पक्षांतर हुआ तो प्लस तीन हो गया, छः और एक सात बराबर तीन में एक गया दो, इस प्रकार k बराबर दो बटे सात आया, ठीक ना। अब हम क्या माने हैं वांछित अनुपात k अनुपात एक, लिखेंगे वांछित अनुपात। देखिए के अनुपाते एक है तो के का मान कितना आया दो बटे सात,
अनुपाते एक, ठीक ना। तो ये सात यहाँ कर लेंगे, ठीक ना। इसको लघुत्तम लेके लघुत्तम के संग गुणा करते हैं, देखिए ये आ जाएगा दो अनुपाते ये सात आ गया, ठीक ना। ये सात यहाँ चला गया, तो ये सात दो अनुपाते सात हो गया। इस प्रकार या इस प्रकार वांछित अनुपात के अनुपाते एक कर की भी ज्ञात कर सकते हैं और M1 और M2 मान के भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार हो गया। अब देखिए जैसे वांछित अनुपात आया था, वांछित अनुपात देखिए हमने माना था के अनुपाते एक, यहाँ आया था दो बटे सात अनुपाते एक, है ना। तो इसको हल कैसे करते हैं, देखिए एक भिन्न में है तो क्या करेंगे, सात और यहाँ बटे एक होता है, ठीक ना। तो इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो ये सात और एक का लघुत्तम सात आया, ठीक ना। तो सात और एक का लघुत्तम सात आया, उस सात से दोनों पदों को गुणा कर दिया जाता है। तो देखिए दो बटे सात गुणे सात अनुपाते एक गुणे ये सात होता है, तो यहाँ से सात सात कैंसिल हो गया, तो दो अनुपाते सात एकम सात, तो इस प्रकार ये अभिष्ट अनुपात होता है, ठीक। और अगर इतना ना करना हो तो देखिए लिखा अगर दो बटे सात अनुपाते एक आया है, आप इस सेवन को सीधे यहाँ लिख सकते हैं, तो इस प्रकार दो अनुपाते सात ये अभिष्ट अनुपात ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। तो अब प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँच में लिखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदुओं दो बिंदु दिए हैं जिनके निर्देशांक भी दिए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं, पहले बिंदु लिख लेते हैं, ये ए, ए का निर्देशांक लिख लेते हैं एक माइनस पाँच, और ये है बी, तो बी का क्या हो गया माइनस चार और पाँच, ठीक ना। एक माइनस पाँच माइनस चार पाँच, और यक्ष अक्ष के संग विभाजित हो रहा है, तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, माना ये बिंदु विभाजित कर रहा है, तो ये हो गया यक्ष ये वाई, ठीक ना। और इसको मान लेते हैं के अनुपाते एक, आप चाहे तो एम वन एम टू भी ले सकते हैं, हमने यहाँ के अनुपाते एक लिया है, ठीक ना। माना इस बिंदु इस रेखाखंड को के अनुपाते एक में विभाजित कर रहा है, लिखते हैं माना वांछित अनुपात, वांछित अनुपात के अनुपाते एक, ठीक ना। तो अब विभाजन सूत्र से देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है। तो देखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाता है, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक ना, ये हो जाता। अब इसमें मान रख लेते हैं, देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ठीक ना। अब मान रखते हैं, देखिए इस पर इसको आप चाहें तो Pxy भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, ये है। अब m1 कितना है, k है, k गुणे x2 कितना है माइनस फोर, प्लस m2 एक है और x1 कितना है एक बटे एम वन के प्लस वन, ठीक ना, एम वन प्लस एम टू के प्लस वन, एम वन कितना है के गुड़े वाई टू कितना है पाँच, प्लस एम टू कितना है एक गुड़े वाई वन कितना है माइनस पाँच बटे एम वन प्लस एम टू मतलब के प्लस वन, तो ये हो गया, ठीक ना। इसको थोड़ा हल कर लें तो ये हो जाएगा चार माइनस चार के और एक एक कम एक बटे के प्लस एक, ये हो गया पाँच के माइनस पाँच बटे के प्लस वन, ठीक ना। चूँकि अब देखिए चूँकि यह बिंदु किस बिंदु कहाँ पर है, ये
यह बिंदु यक्ष अक्ष है ना, यह बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित है, स्थित है, इसलिए यक्ष अक्ष पर देखिए कोटि का मान शून्य होता है, ठीक ना, शून्य होता है, ठीक ना। अगर ये वाई अक्ष पर होता तो वाई अक्ष पर भुज का मान शून्य होता है, और यक्ष अक्ष पर देखिए इसको ऐसे बोलते हैं, जैसे किसी भी बिंदु का निर्देशांक यक्ष और ये वाई है, ठीक ना, तो इसको सम्मिलित रूप से पूरा इसको निर्देशांक बोलते हैं, ठीक ना, इसको निर्देशांक और इस वाले को भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। यदि यह बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित होगा, यक्ष अक्ष पर स्थित होगा है, तब देखिए यक्ष अक्ष पर निर्देशांक क्या बनेगा इसका, ये बनेगा यक्ष शून्य बनेगा, ठीक ना। इसी प्रकार अगर वाई अक्ष पर स्थित होगा, स्थित है, तो ये शून्य वाई होगा, है ना, वाई का मान जो भी होगा, दो चार जितनी इकाई दूरी पर होगा। तो यक्ष अक्ष पर देखिए वाई अक्ष पर यक्ष का मान शून्य होता है और यक्ष अक्ष पर वाई का मान शून्य होता है, ठीक ना। इसका मतलब यक्ष अक्ष पर देखिए ये रहा भुज, तो ये कोटि, कोटि का मान शून्य है और इसमें भुज का मान शून्य है, और हमको दिया है यक्ष अक्ष पर स्थित है, ठीक ना, यक्ष अक्ष पर कोटि देखिए शून्य है। इस प्रकार देखिए ये है भुज और ये है कोटि, इसका मतलब ये बराबर शून्य होगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 5k-5 बटे के प्लस 1 बराबर शून्य। जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 5k-5 बराबर, इसका गुणा जीरो में करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक ना। किसी भी संख्या में जीरो गुणा करेंगे तो जीरो हो जाता है। इस प्रकार ये पक्षांतर करेंगे तो 5 और k बराबर 5/5, 5 एक कम, k बराबर 1 आया, ठीक ना। अब k का मान इस वांछित अनुपात में रख देंगे तो 1:1 आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः वांछित अनुपात 1:1 आया, है ना। अब इसमें बोलता है कि जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पर इस पे मान रख देंगे, ठीक ना, ये विभाजन बिंदु का हल करके लिखा, यहाँ के का मान रख देंगे 1, तो विभाजन बिंदु भी ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए यही है विभाजन बिंदु, ठीक ना। यहाँ लिख लेते हैं -4k+1/k+1 और 5k-5k+1, यहाँ पर k का मान 1 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा -4×1+1/1+1, 5×1-5/1+1, ये हो गया 4×1+1 और 1×1=2, 5×5-5/2, 4 में 1 गया 3, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगा भी दिया, 0/2, तो इस प्रकार ये आ गया -3/2 और 0, ठीक ना, 0/2 मतलब 0 होता है। तो वांछित अनुपात 1:1 आया और विभाजन बिंदु -3/2 और 0 आया। अब प्रश्न नंबर 6 लिखा है, यदि बिंदु मतलब 4 बिंदु दिए हैं इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो यक्ष और वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसके लिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ये है समांतर चतुर्भुज, ये हो गया ए बी सी और डी, और इसके निर्देशांक क्या क्या दिया हुआ है, 1:2,
दो चार वाई यक्स छः और तीन पाँच, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी निकालना है यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको मिला लेते हैं, ये विकर्ण है, ठीक ना। हम जानते हैं कि देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर का होता तो ये 3 और ये 3 हो जाता, ठीक ना। और अगर ये 4 होता तो ये 2 2 हो जाता, ठीक ना। मतलब विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, बराबर बराबर दूरी पर काट लेते हैं। तो इसको लिखते हैं, हम जानते हैं कि है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक ना। अतः विकर्ण एसी है ना, विकर्ण एसी है, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण बीडी, लिखेंगे विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना। तो AC का ये मध्य बिंदु O है, और मध्य बिंदु निकालेंगे इसे, मध्य बिंदु प्रमेय से निकालते हैं, इसका भुज और इसका भुज बटे दो है ना, 1 प्लस x बटे दो और x 2 प्लस 6 मतलब कोटि कोटि का योगफल बटे दो करेंगे, तो 2 प्लस 6 बटे 2 ये हो गया बराबर। अब देखिए BD का मध्य बिंदु ये है, और मध्य बिंदु प्रमेय से इसका भुज और इसका भुज का योगफल बटे 2, 3 प्लस 4 बटे 2 और 5 प्लस y, तो लिखेंगे 5 प्लस y बटे 2, ठीक ना। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, 1 प्लस x बटे 2, ये 6 2 8 बटे 2 हो जाएगा बराबर 4 3 7 बटे 2, अरे 5 प्लस y बटे 2। अब इसका इससे तुलना कर लेंगे, भुज भुज का और कोटि का कोटि के संग, तो लिखते हैं 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2 है ना। और इसको इससे तुलना करेंगे तो ये आएगा 5 प्लस y बटे 2 बराबर 8 बटे 2, तो ये कट जाएगा, 2 एक कम 2 चौके 8। अब इसका तिरय गुणा कर लेते हैं, देखिए 2 2 दोनों हरों में है तो कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये जाएगा 1 प्लस x बराबर ये 7 हो गया, 1 उधर पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा 7 माइनस 1 बराबर ये x बराबर 6 आ गया, ठीक ना। और इसका करेंगे तो देखिए तिरय गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 प्लस y बराबर 4 दूनी 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर ये 3 आ गया, ठीक ना। तो x और y का मान 3 प्राप्त, x का मान 6 और y का मान 3 प्राप्त हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र दिया हुआ है तथा B के निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम एक वृत्त बनाते हैं, प्रश्न नंबर 7 में एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त हो गया, ठीक ना, और ये व्यास हो गया, ए ये रहा और बी ये रहा, ये केंद्र भी दिया हुआ है, केंद्र में देखिए केंद्र में दिया है 2 माइनस 3, ठीक ना, और बी के निर्देशांक 1 ये 4, और ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम इसको यक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक ना। इसको अब हल करते हैं, तो देखिए ए बी वृत्त का व्यास है और एक केंद्र है,
ठीक ना, केंद्र से AO की दूरी और OB की दूरी बराबर होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये O AB का मध्य बिंदु है, ठीक ना। तो चूंकि O AB का मध्य बिंदु है ना, ये देखिए पूरा व्यास है, AB वृत्त का व्यास है और OB बराबर, देखिए AO बराबर BO बराबर वृत्त की त्रिज्या है, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। तो त्रिज्या का डबल करिए तो व्यास प्राप्त हो जाता है और व्यास का आधा करिए तो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार AB O AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या करते हैं इसमें, तो देखिए मध्य बिंदु प्रमेय होता है, देखिए इसका भुज बटे दो करेंगे तो ये दो आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखते हैं यहाँ पर x प्लस वन बटे दो बराबर ये दो हो गया, ठीक ना। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, भुज भुज ही निकाल लेते हैं, x प्लस वन बटे दो, फिर y प्लस फोर बटे दो, तो ये हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या है, दो माइनस तीन। अब इसका तुलना करते हैं भुज का भुज के संग, कोटि का कोटि के संग, तो ये आ जाएगा x प्लस वन बटे दो बराबर दो और y प्लस फोर बटे दो बराबर माइनस तीन। तो देखिए क्या करेंगे, इसका तिरेक गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन बराबर ये चार, तो इस प्रकार x बराबर चार माइनस एक, तो ये हो गया तीन, और इसका भी तिरेक गुणा कर लेते हैं तो y प्लस फोर बराबर छः, तीन दूनी छः, y बराबर माइनस छः माइनस चार, तो y बराबर माइनस दस आया। अतः a के निर्देशांक, a के निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ हमको, तीन माइनस दस, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर सात हो गया, प्रश्न नंबर आठ देखते हैं। प्रश्न नंबर आठ में लिखा है, यदि ए और बी क्रमशः माइनस दो और दो माइनस चार हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर तीन बटे सात ए बी हो, ए पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखते हैं इसमें, देखिए प्रश्न नंबर आठ में जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उसे कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है ए और बी, ए का निर्देशांक दिया है माइनस दो और बी का निर्देशांक दिया है दो माइनस चार, ठीक ना। और फिर लिखा है यदि बी, देखिए बी ए बी पर ही स्थित है, ठीक ना, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको, तो बी के निर्देशांक मान लिया एक्स वाई, ठीक ना। और ताकि देखिए इसमें क्या दिया है, ए पी बराबर तीन बटे सात ए बी, है ना, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इस ए बी को पक्षांतर करते हैं तो ए बी ए पी बटे ए बी बराबर तीन बटे सात आया, ठीक ना। तो देखिए इसमें लिखा है ए पी, ए पी कितना, देखिए ए पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तीन दिया हुआ है, ठीक ना, ये तीन दूरी है। और देखिए ए बी बराबर सात, ठीक ना, ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, सात है कुल, तो यहाँ से यहाँ तक सात और उसमें ये तीन, तो बच कितना गया, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सात में से तीन गया तो ये चार प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको एम वन और एम टू का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो इस हिसाब से लिखते हैं, देखिए माना ए पी बराबर तीन और ए बी बराबर सात, तो इस प्रकार बी पी कितना जाएगा, बी पी बराबर, देखिए पूरे में से इसको बी पी निकाल रहे हैं तो लिखेंगे ए बी माइनस ए पी, इस प्रकार ये सात है और ये तीन है, तो ये हो गया आपका बी पी बराबर चार हो गया, ठीक ना। तो इसको हम एम वन लिख लेते हैं और इसको M2 लिख लेते हैं, ये हो गया X1, ये Y1, ये X2, ये Y2 हो गया।
अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिख लेते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है देखिए लिखते हैं, पी एक्स वाई बराबर यम वन एक्स टू प्लस यम टू एक्स वन बटे यम वन प्लस एम टू और यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन बटे यम वन प्लस एम टू, ठीक ना। अब इसमें मान रख लेते हैं तो यम वन कितना आया है, थ्री है, तीन गुणे यक्स टू टू प्लस एम टू चार गुणे यक्स वन कितना है माइनस टू बटे यम वन प्लस एम टू मतलब तीन प्लस चार और यम वन फिर यहाँ रखते हैं तीन गुणे वाई टू कितना है माइनस फोर प्लस यम टू चार गुणे वाई वन कितना है माइनस टू बटे तीन प्लस ये चार हो गया। अब इसको हल करते हैं तो तीन दूनी छः और चार दूनी आठ बटे सात, चार तिहाई बारह और चार दूनी आठ बटे सात, छः में आठ गया माइनस दो बटे ये सात और बारह आठ बीस बटे सात, है ना, माइनस 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 अंक जुड़ गया तो ये देखिए ये आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर नौ देखते हैं तो लिखा है इसमें देखिए बिंदुओं ए और बी जिसके निर्देशांक भी दिया है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ए बी एक रेखाखंड है, इनको चार बराबर भागों में बांटा गया है तो प्रत्येक जो प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए लिखते हैं इसमें प्रश्न नंबर नौ, तो ये रहा देखिए ये रेखाखंड है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ से ये ए, तो ए कितना है माइनस दो ये दो और बी दो माइनस चार, चार बराबर भागों में विभाजित करना है इसको तो लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ डालते हैं P, यहाँ Q और ये R हो गया, ठीक ना। देखिए एक दो तीन चार, चार भागों में विभाजित हो गया तो लिखेंगे माना, माना रेखाखंड ए बी को चार, रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में, चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P, Q और R हैं, ठीक ना। देखिए क्या हो जाएगा, P के लिए अगर देखें तो मान लेते हैं सबसे पहले इस रेखाखंड को कि हम चार सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, चार इकाई मान लेते हैं। तो देखिए अगर बराबर बराबर दूरी पर है तो देखिए ये एक हो जाएगा, ये एक और ये एक हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम P का निर्देशांक ज्ञात करने की कोशिश करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वन हो जाएगी, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा वन टू थ्री, तो हो गया तीन हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको हम यम वन ले लेंगे और इसको एम टू ले लेंगे और ये एक्स वन ये वाई वन इसको एक्स टू और इसको वाई टू, तो ये है, ठीक ना। आप लिख इसके आगे भी लिख लेते हैं, अर्थात ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी हैं, ठीक ना। अब देखिए पी का निकालते हैं, लिखेंगे अतः
बिंदु पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से क्या हो जाएगा, 1:3, ठीक ना, 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना, तो विभाजित करता है तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से पी के निर्देशांक तो लिखते हैं, विभाजन सूत्र लिख लेते हैं, और m1 x2 plus m2 x1 बटे m1 plus m2, और यहाँ हो जाएगा m1 y2 plus m2 y1 बटे m1 plus m2। तो इसमें मान रख लेते हैं, आप देखिए m1 यहाँ 1 है गुणे x2 कितना है 2 है प्लस m2 3 गुणे x1 कितना है -2 बटे 1 plus 3, m1 plus m2 1 plus 3, फिर m1 1 गुणे y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 3 गुणे y1 कितना है 2, बस देख देख के मान रखते चले जाना है 1 plus 3। तो इसको हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बटे 3 और 1 4, और ये हो गया 4 एकम 4, 3 दूनी 6 बटे 4, तो ये हो जाएगा 2 में 6 ज्ञात मतलब -4 बटे 4, ये हो गया 6 में 4 गया 2 बटे 4। तो इसको हल कर लेते हैं तो जगह P के निर्देशांक आ गया 4 एकम 4, ये हो गया -1 1 बटे 2, तो ये हो गया 1 बटे 2। देखिए P के निर्देशांक हो गए, अब देखिए इसके R के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए लिखते हैं, अब R रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से देखिए इसको भी देखते हैं। अब R के इसको निकालना हो तो देखिए लिखेंगे यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो गया 1 2 3, तो लिखेंगे 3, ठीक ना, ये m1 हो गया और यहां से यहां तक की दूरी 1 इकाई है, तो m2 बराबर ये 1 हो गया, ठीक ना। तो अब m1 3 और m2 1 रखेंगे हम लोग, तो आंतरिक रूप से 3:1 है ना के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से R के निर्देशांक, ठीक ना, तो R के निर्देशांक फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 x2 plus m2 x1 बटे m1 plus m2, और यहाँ होगा m1 y2 m2 y1 बटे m1 plus m2, ठीक ना। अब इसका मान रख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए m1 इस बार ये 3 है और x2 2 है प्लस m2 1 है और x1 -2 है बटे 3 plus 1, फिर m1 कितना है 3 गुणे y2 -4 प्लस m2 कितना है 1 गुणे y1 कितना है 2 बटे 3 plus 1, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बटे 4 और 4 तिहाई 12, 2 एकम 2 बटे 4, 3 1 4,
तो 6 में 2 गया 4 बटे 4 और ये हो गया 12 में 2 गया 10 बटे 4, ठीक ना। तो इस प्रकार R के निर्देशांक क्या आ गया, देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, इस प्रकार 1 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो गया -5/2, तो R के निर्देशांक हो गए। अब देखिए एक Q बिंदु को अगर देखें तो ये ना AB का मध्य बिंदु पर है, ठीक ना। इधर दो, इधर जितना जो लंबाई है वो बराबर, ये बराबर के है, ठीक ना। इस प्रकार Q AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम सीधे मध्य बिंदु पर में लगा देंगे, तो यहाँ से सीधे Q के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, तो देखिए क्यू के निर्देशांक ये होता है x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2। तो यहाँ रखते हैं, आप देखिए ये x1 ये y2, तो -2 + 2/2 और ये हो जाएगा 2 - 4/2। तो ये हो गया 2 में 2 गया 0/2 और ये हो गया 2 में 4 गया 2, ये हो गया 0 और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया -1। इस प्रकार Q के भी निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 एक अंतिम सवाल है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में, देखिए चार शीर्ष मतलब शीर्ष दे रखे हैं और इसमें देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी सी डी और ए के निर्देशांक ले लेते हैं 3, 0, बी के 4, 5 और सी का -1, ये 4 और ये -2, -1, ठीक ना। और अब देखिए इनके विकर्ण खींच लेते हैं, ये विकर्ण हो गए। देखिए इसमें संकेत दिया हुआ है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, ठीक ना। तो यहां लिख लेते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों का गुणनफल, तो पहले हम इनके विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए एक विकर्ण AC ये रहा और एक BD ये रहा, ठीक ना। तो विकर्ण ज्ञात करते हैं, देखिए पहला विकर्ण विकर्ण AC कितना आ जाएगा, देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, x1 - x2 + y1 - y2। x1 y1 ये हो गया, x2 ये y2 हो गया। x1 देखिए 3, माइनस देखिए माइनस फिर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस अब देखिए इसमें y1 कितना है 0, माइनस ये 4 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 और 1 = 4, 4 का वर्ग और ये -4 का वर्ग, ये हो गया 4 × 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, तो ये हो गया 32, ठीक ना।
और अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए आएगा दो गुणे दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस। तो देखिए इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, तो इसका दो बाहर, इसका दो बाहर, और ये करनी दो बच गया। तो देखिए कर्ण दो रह गया तो करनी के अंदर रह गया, तो हो गया चार करनी दो। तो एक विकर्ण ए सी ज्ञात हो गया। अब एक विकर्ण बी डी ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं विकर्ण बी डी। इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो इसके लिए अब इस बार लिख लेते हैं, ये रहा एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, ठीक ना। ये एक्स वन वाई वन लिखा है, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं और इसको एक्स टू वाई टू भी लिख सकते हैं। तो एक्स वन कितना है चार माइनस एक्स टू, देखिए फिर माइनस में है, ठीक ना। तो इस सूत्र का माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई वन कितना है पाँच माइनस, ये वाई टू भी माइनस में है तो लिखेंगे माइनस वन का स्क्वायर। ऐसे अगली बार देखिए कोष्टक खोलेंगे इसका, तो जगह चार और दो माइनस मिलकर प्लस का स्क्वायर प्लस, ये देखिए दो माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया चार दो छः का स्क्वायर पाँच, ये हो गया छः का छत्तीस और ये छः का छत्तीस, ठीक ना। देखिए छत्तीस दूनी बहत्तर, छः दूनी बारह, तीन दूनी छः एक सात। अब देखिए इसे उड़नखंड कर लेते हैं, दो तिहाई छः, दो छक्के बारह, दो एकम दो, दो अट्ठे सोलह, दो नवा अठारह, तीन त्रिकाई नौ, तीन एकम तीन, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े तीन। देखिए ये जोड़ा बना बाहर निकला, ये जोड़ा बना बाहर निकला, दो बच गया करनी के अंदर, इस प्रकार छः करनी दो आया। अब इनका मान रख देते हैं इसी सूत्र पर, तो देखिए यहाँ लिखते हैं अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक बटे दो गुणे, दोनों विकर्ण गुणनफल, तो पहला ये आया है, लिखेंगे चार करनी दो गुणे छः करनी दो। देखिए दो एकम दो, दो दुनी चार, छः दुनी बारह गुणे करनी दो, करनी दो दो, इस प्रकार ये चौबीस आया, ठीक ना। तो लिखेंगे कोई इकाई नहीं है तो लिखेंगे वर्ग मात्रक, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।